हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पॉज फॉर फूड के नए एपिसोड में। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नारियल के लड्डू की रेसिपी, जो कि बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में, उतनी ही पौष्टिक है और टेस्ट में तो आप पूछिए मत, बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 नारियल को कद्दूकस किया है, जो फ्रेश नारियल आते हैं ना पानी वाला, उसको यूज़ किया है मैंने, और यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग मैंने घी ऐड किया है। तो घी की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो घी यहाँ पर मेल्ट हो गई थी, तो यहाँ पर मैंने कद्दूकस किया हुआ नारियल ऐड किया है और इसको अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे। तो आजकल लोग चीनी अवॉइड करते हैं खाना, तो इस रेसिपी को मैं आज गुड़ में बनाने वाली हूँ। बहुत ही बेहतरीन लगती है खाने में और इसके जो इंग्रेडिएंट्स है तो उससे इसका टेस्ट और भी काफ़ी बढ़ जाता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। तो क्या करना है, बहुत ही कम समय लगेगी। तो यहाँ पर नारियल को हल्का सा 1 मिनट तक आप इसको भून लें, और फिर नारियल जितना था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ गुड़ लिया है। तो मैंने यहाँ पर लगभग 250 ग्राम गुड़ लिया है, जिसको मैंने हल्का हल्का सा तोड़ लिया था। और बस इसको कुछ नहीं, हमें इसको अच्छे से बस चलाते रहना है जब तक गुड़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा देर चलाने के बाद इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ऐड करूँगी काजू के कोर्स पाउडर। ये देखो, तो आप दरदरा ना करो, या आप बिल्कुल भी इसको मोटा रख सकते हो या बिल्कुल फाइन पाउडर रख सकते हैं। इसके बाद खरबूजे का बीज यानी मस्कमेलन सीड्स ऐड किया है यहाँ पर रोस्ट किया हुआ। थोड़ा सा किशमिश ऐड किया है, यहाँ पर फ्लैक्सीड्स पाउडर यानी कि तीसी का पाउडर ऐड किया है। तो तीसी का पाउडर मैंने यहाँ पर 6 से 7 चम्मच ऐड की है। थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड किया है। तो ये सारी चीज़ें ऐड की है मैंने, जो भी चीज़ें ऐड की है उसका डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगी। और बाकी मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, 2 नारियल जो फ्रेश पानी वाला नारियल को मैंने कद्दूकस करके लिया है। इसके बाद मैंने काजू का कोर्स पाउडर यानी कि दरदरा करके काजू को मैंने लगभग 10 से 12 काजू को ऐड किया है। इसके बाद ऐड किया है मैंने यहाँ पर मस्कमेलन यानी कि खरबूजे का बीज। इसके बाद थोड़ा सा किशमिश ऐड किया है। ड्राई फ्रूट आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, जो भी आपका मन है। उसके बाद मैंने ऐड किया है यहाँ पर तीसी का पाउडर। तीसी जो आप खाते हैं ना, फ्लैक्स सीड्स, उसको मैंने यहाँ पर हल्का सा ड्राई रोस्ट करके पीस लिया था और उसका 6 से 7 चम्मच यूज़ किया है। उससे टेस्ट काफ़ी बेहतरीन आएगा। आप एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा खाने में। तीसी के जो लड्डू होते हैं ना, तो उसकी हल्की हल्की सी खुश जो टेस्ट होती है वो आएगी। और ये देखो, चलाते चलाते लगभग 8 से 10 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको चलाया था, और ये देखो गुड़ बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है और देखने में भी काफी बढ़िया लग रही है। ये देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से ये मेल्ट हो गया है और इसको हमें थोड़ा सा और चलाना है। ये देखिए, जब तक कि ये बिल्कुल लड्डू के शेप में बनने के जैसे ना हो जाए तब तक, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से इसको हमें मिला लेना है। और इसकी जो टेक्सचर आप देखोगे ना लड्डू को तोड़ कर मैं आपको दिखाऊंगी, वो काफ़ी बढ़िया आती है। मतलब कि अंदर का जो मतलब रस जैसा काफ़ी लगेगा लड्डू, और ये वाली जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो चीनी वाले चीनी में जो बनती है नारियल के लड्डू, उसमें नहीं आती। आप ये चीज़ को नोटिस करिएगा और इस रेसिपी को तो ट्राई वैसे भी करिएगा आप ज़रूर से। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया लग रही है देखने में। तो यहाँ पर लगभग हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार है, तो अब हम इससे लड्डू बनाना शुरू करेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने देंगे इसको, वरना हाथ में लगेगा तो जल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इसके बाद लड्डू हम बांधना इसका शुरू करेंगे। तो ये मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको, ये कितनी बढ़िया लग रही है ये देखो। तो सारी पौष्टिक चीज़ें हैं इसमें, आप इसको सुबह में पानी के साथ ले सकते हो एक लड्डू। तो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी, आप और भी कुछ ऐड करना चाहते हो, मखाना या फिर गोंद, कुछ भी ऐड करना चाहते हैं आप एडिशनल ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, ठंडा थोड़ा सा हो गया था तो ये लड्डू के शेप में मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। और लड्डू के शेप बनाकर यहाँ पर मैं थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट ले रही हूँ, यानी कि नारियल का बुरादा। उससे थोड़ा सा कोटिंग करने से क्या होता है ना, देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर आपके पास है और नारियल का बुरादा, तो आप उसमें कोट करके इस तरीके से लड्डू को, देखिए इस तरीके से लड्डू को डेकोरेट कर सकते हो। और ये काफ़ी बढ़िया लगती है खाने में, आप एक बार ज़रूर से ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। ये देखिए, तो इस तरीके से सारे लड्डू बना लेने हैं हमको।
और यहाँ पर मेरे पास घर में थोड़ा सा रोज पेटल था, तो मैं उसे थोड़ा सा इसको सजा रही हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही हेल्दी से लड्डू है, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने लड्डू ट्राई किया तो आपके लड्डू कैसे बने। तो आशा करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए इसको मैं एक लड्डू तोड़ कर दिखा रही हूँ कि ये कैसी लग रही है अंदर से। ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए आप, अंदर से एकदम रस जैसा, काफी अच्छा लगता है। और आप इसको घर पे जरूर बनाकर ट्राई करिएगा।